बीसीसीआई अब इस सोच में डूबी है कि आखिर किसे टेस्ट का नया कप्तान बनाया जाए। विराट कोहली अब किसी भी फॉर्मेट में भारत के कप्तान नहीं है और वनडे और टी20 में रोहित शर्मा भारत के कप्तान हैं। कोहली के अचानक टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बाद बीसीसीआई अब इस सोच में डूबी है कि आखिर किसे टेस्ट का नया कप्तान बनाया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा टेस्ट की कप्तानी करने के लिए फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में टेस्ट की बात करें तो एक खिलाड़ी ऐसा है जो विराट कोहली की जगह टेस्ट का कप्तान बनने के लिए फिट बैठता है और वह है ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट कप्तानी करने के लिए दावेदार हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले महीने खेली गई टेस्ट सीरीज में केपटाउन की मुश्किल पिच में शतक ठोककर पंत ने दिखा दिया कि वह टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बनने की पूरी तरह हकदार हैं। अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पंत ने आक्रामक टेवर वाला अंदाज फैंस को काफ़ी पसंद आया। रोहित शर्मा 34 साल के हैं, जिनके के करियर में कुछ ही गिने चुने साल बचे हैं, तो ऐसे में रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का कप्तान नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए 24 साल के पंत को टेस्ट की कप्तानी मिल सकती है। आपकी क्या राय है, टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी किसे देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।